बिहार के जहानाबाद में दूसरे दिन भी तनाव की स्थिति है और कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही शहर के कई इलाकों में हिंसक की घटनाएं भी हुई हैं। गांधीनगर में दो गुटों के बीच फायरिंग हुई, इसमें गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई। जाफरगंज में दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी शहर में कैंप कर रही हैं। पूरा शहर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। साथ ही लोगों से जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा है। डीएम और एसपी भी शहर में घूम घूम कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एहतियात के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।